हाँ जी बेटा देखिए, यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन, यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। हाँ जी बेटा, अर्थमेटिक मीन का यूज कब किया जाता है और कैसे किया जाता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए? इसमें बेटा दो सिचुएशन हो सकती हैं। हाँ जी, सिचुएशन नंबर वन, पहली बात तो बेटा आपको ये ध्यान रखनी है, अर्थमेटिक मीन का यूज तब करते हैं जब टाइम एंड स्पीड, जब टाइम और स्पीड दे रखा हो। अब टाइम एंड स्पीड में भी बेटा दो सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, और अनइक्वल टाइम इंटरवल। स्पीड, डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड, हाँ जी बेटा देखिए, इक्वल टाइम इंटरवल डिफरेंट स्पीड, अनइक्वल टाइम इंटरवल डिफरेंट स्पीड। हाँ जी बेटा, इस केस में बेटा यूज होगा सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन। आपने बेटा एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला लगाना है, समेशन एक्स अपॉन एन, और एक्स बेटा किसको लेट करना है, स्पीड। टाइम को कुछ नहीं करना, इक्वल टाइम इंटरवल तो टाइम को इग्नोर कर देना। और इस सिचुएशन में वेटेड अर्थमेटिक मीन, यहां पे बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे हम, समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। यहां बेटा डब्ल्यू किसको लेना है और एक्स किसको लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स तो लेना है स्पीड, एक्स तो बेटा हमेशा स्पीड ही रहेगा, और डब्ल्यू बेटा लेंगे टाइम को, डब्ल्यू बेटा टाइम। देखो कैसे करेंगे, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लेता हूं। हाँ जी बेटा, मैं दोनों केसेस का एक एक एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ जी बेटा देखिए, एक ट्रेन है, वो ट्रेन बेटा पहला 1 आवर, पहले 1 घंटा, पहले 1 घंटा बेटा वो चली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर अगला 1 घंटा बेटा वो चली, हाँ जी बेटा पहला 1 घंटा तो चली 60 किलोमीटर पर आवर, अगला 1 घंटा 80 किलोमीटर, हाँ जी बेटा, और लास्ट का जो 1 घंटा ये बेटा चली वो मान लेते हैं 100 किलोमीटर। अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है। एक तो बेटा टाइम इंटरवल, टाइम दे रखा है, यहाँ डिस्टेंस नहीं दे रखा, टाइम, टाइम और क्या दे रखा है, स्पीड। जब टाइम और स्पीड दे रखा हो तो पहली बात हार्मोनिक मीन यूज नहीं करना, अर्थमेटिक मीन यूज हो। अब ये देखो बेटा टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल जरा चैट बॉक्स में बताओ इक्वल है अनइक्वल है।
हाँ जी बेटा, टाइम इंटरवल जरा बताओ, इक्वल है अनइक्वल है? साफ दिख रहा है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर इक्वल है, तो कौन सा मीन यूज होगा? हाँ जी बेटा, कौन सा मीन यूज होगा? सिंपल। तो सिंपल मीन में क्या करेंगे, स्पीड को बेटा क्या लेट कर लो, एक्स, स्पीड को एक्स, 60 80 100। यहाँ बेटा इसका टोटल कर दो, समेशन एक्स। हाँ जी बेटा, 100 ये हो गया, 240, समेशन एक्स बेटा 240। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाल लेंगे? एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला ये है, समेशन एक्स अपॉन एन, 240 डिवाइडेड बाय 3, 80 आंसर आ जाएगा। आंसर बेटा आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी सम को बेटा मैं चेंज कर रहा हूं। चेंज बेटा क्या किया, एक ट्रेन है जो पहले एक घंटा तो चली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और अगले दो घंटे चली बेटा वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और फिर बेटा एक घंटा वो चली 100 किलोमीटर। हाँ जी बेटा, फिर से बेटा देखो, पहले सबसे पहली चीज क्वेश्चन में क्या देखनी है, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि टाइम एंड स्पीड दे रखा है या डिस्टेंस एंड स्पीड दे रखा है, बताओ बेटा, टाइम एंड स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस एंड स्पीड? एक तो बेटा टाइम दे रखा है और ये बेटा क्या दे रखी है, स्पीड। अब चेक करो, टाइम बेटा इक्वल है अनइक्वल है? टाइम अनइक्वल दिया हुआ है, 1 आवर 2 आवर 1 आवर। ठीक है, तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, स्पीड को बेटा एक्स, स्पीड को एक्स और टाइम को डब्ल्यू। हाँ जी बेटा, तो कैसे करोगे, स्पीड को बेटा लिख लो 60 80 100, और टाइम बेटा 1 आवर 2 आवर और 1 आवर। अब बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकाल लो डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले में डब्ल्यू एक्स चाहिए 60, ये बेटा हो जाएगा 160, और नेक्स्ट बेटा आ जाएगा 100। हाँ जी बेटा, करो इसको, 320 हो गया टोटल, 320 क्या आ गया, समेशन डब्ल्यू एक्स। ऐसे ही बेटा इसका टोटल करो, 4। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी बेटा, फॉर्मूले के अंदर बेटा वैल्यूज पुट कर दो, फॉर्मूले में बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो समेशन डब्ल्यू एक्स 320 डिवाइडेड बाय 4, 320 डिवाइडेड बाय 4 बेटा कितना आ जाएगा, 80 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। आगे किलोमीटर पर आवर जरूर लिख देना। नहीं बेटा, ये बाय चांस आ गया, सेम नहीं आएगा, सेम बेटा नहीं आएगा, ये बाय चांस दोनों क्वेश्चन का आंसर 80 आ गया। ध्यान से सुनो बेटा, मैंने क्या कहा है, ये जो सेकंड केस वाला फॉर्मूला है, सेकंड केस में जो फॉर्मूला बताया है, ये बेटा फर्स्ट सिचुएशन में भी यूज हो सकता है और सेकंड सिचुएशन में भी यूज हो सकता है, बट फर्स्ट सिचुएशन में ये जो फॉर्मूला किया आपने, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस में इस्तेमाल होगा, सेकंड केस में इस्तेमाल नहीं हो सकता इसके लिए। ठीक है, इसको मैं केस 1 बोल रहा हूं और इसको केस 2। ठीक है, केस 2 में इस्तेमाल नहीं होगा ये, बट ये केस 2 वाला फॉर्मूला दोनों केसेस में लग सकता है।